ये बात आप खुद जानते ना, ये सिक्योरिटी होती है, ये बताने वाली बात नहीं है। मेरे पास मेरे मेहमान आए थे, मेहमान नवाजी, मेरे मेहमान आए थे, मेरे दुख दर्द में शामिल हुए, चाय पानी किया, फिर चले गए, गाड़ी पर बैठा के वापस आ गए। और क्या पूछ सकते हैं? आपके घर में इतने बड़े आपके आर्मी ऑफिसर आए, आज आपको अपने बेटे की शादी में फख्र हो रहा होगा। देखो आप खुद जानते हैं, ये वर्ल्ड की बात है, मेरा बेटा नहीं था ये बेटा, किसका था फिर? पैन पॉइंट ये नहीं करना, ये मेरा बेटा, ये हिंदुस्तान का बेटा था, जो बेटे बेटा मेरा तब था जब मेरी गोद में था, मुझे इससे कोई दुख नहीं है। मरना तो है ना, घर में होता तभी मरना था। तो हम गरीब आदमी हैं, हम ये कमाई ना करें तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? नहीं खा सकते, हमें ना कोई पाकिस्तान देता, ना चाइना का, ना अमेरिका, हमें कोई नहीं। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के एक सफाई आदमी हैं, चाहे वो रोड पर मजदूरी करें, चाहे वो फौज में, चाहे वो BSF है, CRP है, ये कौन देश नहीं जानता कि कौन, ये कश्मीर के लोग नहीं जानते। हाँ, कश्मीर के आए थे यहाँ पे, मेरे पास मेरे एक सवाल किया मेरे पास उन्होंने कि आप कश्मीर से क्या कहना चाहोगे? क्यों मजाही देने उन्होंने औरंगजेब को मारा? मैं क्या, आपने ये सवाल गलत पूछा। क्यों मजाहिद जिसके पास दीन है, हमारे पास देखो जी हर मतलब अपने अपनी जगह ठीक है ना, जिसके पास दीन है वो ये काम नहीं करता। ये गुंडे और लटेरे लोग हैं, चोर लोग हैं। अब देख लो जाकर किसी को पकड़ के उसको पूछो, उसको तो बिस्मिल्लाह भी नहीं आगी, कलम में भी नहीं आगे, ये बदमाश लोग हैं। अभी आज का जो हुआ अच्छा ही हुआ, काफ़ी देर बैठे हम बातचीत की, तो फिर दवा उन्होंने भी मांगी, क्योंकि वो हमारी अरबी तो नहीं जान सकते थे ना, उर्दू में उन्होंने दवा मांगी, हमारे मौलवी साहब थे उन्होंने दवा मांगी, तो चाय पानी किया, तो अलविदा किया उनको। तो फिर मैं चलो अगर कहीं फिर मौका मिला तो चलो मिलेंगे।